फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है, नवजात बच्चे को ठंड लगने से कैसे बचाएं। जब न्यू मॉम बनती हैं तो इतना आइडिया नहीं होता बेबी को विंटर सीजन में कैसे बेबी को ठंड से बचाना है। इसी पे मैं कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपके बेबी को विंटर सीजन में ठंड ना लगे। मेरा बेबी जो अभी 15 महीने का है, उसे अभी तक सर्दी नहीं हुई है। मैं जो टिप्स फॉलो की हूँ, मैं वही टिप्स आपसे शेयर करूँगी। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके बेबी को ठंड से बचाने में। नवजात शिशु को ठंड से बचाने का पहला टिप्स है सनलाइट। आप अपने नवजात बच्चे को धूप में ज़रूर ले जाएं, स्पेशली मॉर्निंग टाइम, जिससे आपके बेबी को विटामिन डी मिलता है। साथ ही जॉइंडिस, जिसे पीलिया भी कहते हैं, बेबी को पीलिया भी नहीं होगा। अगर हवा चल रही हो तो बेबी को अच्छे से गर्म कपड़े में लपेट कर ले जाएँ धूप में। बच्चे को ठंड से बचाने का दूसरा पॉइंट है डायपर। ठंडियों में रात में बच्चे को डायपर ज़रूर पहनाएं, क्योंकि ठंड गीले बिस्तर पे रहने पे बेबी को ठंड लग सकती है। सर्दियों में नवजात शिशु को डेली डेली ना नहवाएं, 2 से 3 दिन का गैप देके उसे डिटॉल पानी से पोंछ दें या नीम पानी से पोंछ दें, और धूप में कुछ देर लिटा दें अच्छे से लपेट के गर्म कपड़ों से बेबी को, जिससे बेबी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। बच्चे को ठंड लगने से बचाने का चौथा पॉइंट है बेबी के लिए गुनगुने पानी का यूज़ करना। चाहे बेबी की पोटी साफ़ करना हो या नहवाना या प्राइवेट पार्ट को साफ़ करना, या फिर बेबी के लिए आप वाइप्स भी आते हैं मार्केट में, आप सीधे यूज़ कर सकते हैं। मैं तो वाइप्स का यूज़ करी थी क्योंकि बेबी मेरा ठंड में हुआ था। नवजात शिशु को ठंड से बचाने के लिए 5वां टिप्स है बेबी का बिस्तर को गर्म रखना। गर्म रखने के लिए आप बेबी के बेड सीट के ऊपर पतला सा कंबल बिछा दें। नवजात शिशु को ठंड से बचाने के लिए 6ठा टिप्स है बेबी के हाथ, कान, तलवे और सिर हमेशा ढक के रखें। उसके लिए बेबी को हमेशा आप ग्लव, कैप, सॉक जरूर पहना के रखें। नवजात शिशु को ठंड से बचाने के लिए 7वां टिप्स है बेबी को 2 से 3 बार मालिश ज़रूर करें एक दिन में। ठंडियों में बेबी की मालिश के लिए बेस्ट तेल है सरसों का तेल। शिशु को ठंड से बचाने का 8वां टिप्स है बेबी को माँ के पास सुलाएं। रात के टाइम हमेशा माँ को अपने बेबी को अपने पास ही सुलाना चाहिए। 9वां पॉइंट है बेबी को ठंड से बचाने के लिए आप अपने बेबी को पतले पतले लेयर में 3 से 4 गर्म कपड़े पहनाएं, जिससे हवा छन के बेबी के बॉडी को टच नहीं करती। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू जो आपने मेरे वीडियो को देखा।